लोनी क्षेत्र में एसपी ग्रामीण नीरज कुमार जादौन, उप जिला अधिकारी खालिद दंजुम खान, क्षेत्र अधिकारी राजकुमार पांडे, लोनी शालिनी गुप्ता व थाना प्रभारी बिजेंद्र सिंह बड़ाना एवं पुलिस कर्मचारी गण व क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों के साथ लोनी ब्लॉक में पीस मीटिंग का किया गया आयोजन। कल जुम्मे के दिन को लेकर सभी क्षेत्र के सम्मानित सभासद गण एवं पदाधिकारियों ने प्रशासनिक एवं पुलिस प्रशासन अधिकारियों को चयन और अमन शांति का संदेश देकर लोनी के माहौल को बनाए रखने की बात कही। वहीं अधिकारी उसका इस्तेमाल नहीं किया, अब तक हमने आपसे अखलाक में बात की लेकिन आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये आपके बच्चे थे, आप सब्र काम हमारा देखिए कि आपका सीएम हाथ जोड़ रहा था आपके आगे, आपका सीओ आपके आगे हाथ जोड़ रहा था। हमारा कोई भी सिपाही डंडा अगर एक फटकार देता तो आग लग जाती है आपके शहर में। आपका क्या किरदार था? आप अपने घरों में बैठ के अपने बच्चों को आप सही तरबियत नहीं दे पाए, ये जिम्मेदारी थी आपकी। ये कहना बहुत आसान है, एक साहब फरमा रहे थे डॉक्टर साहब कि मैं तो फ्रीडम फाइटर थे मेरे फैमिली में। अरे आप फ्रीडम फाइटर आपकी फैमिली में थे तो आपको भी यहाँ पर आज जरूरत थी आपकी, आप मैदान में आके खड़े होते। आज आप सब और तहमुल को अपना यहाँ दिखाते, आप अपनी पहचान दिखाते कि नहीं हम भी बहुत बड़े बड़े जनपदों में रहे हैं और वहाँ के जो भी मौजूद हजरात होते वो प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला करके बड़े बड़े सिया शुन्नी के झगड़े लखनऊ के, मुरादाबाद के, बरेली के, आप जरा वीडियो आप देखते हैं, आप देखिए इतना बड़ा 2 लाख या तो कुछ भी नहीं था, 50,000 आदमी होगा वहाँ 2 लाख लोगों की भीड़ में। उस मरकज के इमाम ने कहा कि जब आप यहाँ से जाइएगा तो हर पुलिस वाले से हाथ मिलाते हुए जाइएगा, मुसाफा करते हुए जाइएगा। आपका क्या किरदार था? तो मैं तो शुक्रगुजार उस अल्लाह का हूँ कि जिसने कि आपके शहर को बचाया, आपने तो कुछ नहीं किया। और अभी भी हम यहाँ एक बैठक हमने इसलिए नहीं बुलाई है, उसके बावजूद भी आप हमारा किरदार देखिए, उसके बावजूद भी हमने अपने सीओ साहब से, इंस्पेक्टर साहब से आपके लिए सिला रहने की बात कर रहे हैं कि अब किसी को नाक परेशानी ना हो, क्योंकि आपका किरदार क्या था और हमारा क्या किरदार है। अरे आईसीएम है तो इसलिए है कि आपके यहाँ विकास के काम देखें, आपके यहाँ सारे आपकी परेशानियों को दूर करें। आप हमें मुलविस कर रहे हैं इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को मेंटेन करने में, बहुत सारे काम है। समानता का अधिकार है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। मुझे बताइए अभी पिछले दिनों सरकार ने ऋण माफी की योजना की थी, क्या कोई भेदभाव सरकार ने किया? कोई भेदभाव सरकार ने नहीं किया। मैं मुरादाबाद में था, 1 लाख की भीड़ में 70,000 मुसलमान वहां दाढ़ी वाले और बुरखे वाली औरतें बैठी थी। मैंने लीड बैंक मैनेजर से कहा कि भाई तुमने सारे मुसलमान लोगों को बुला लिया, यहाँ और लोग नहीं थे? उन्होंने कहा साहब कोई भेदभाव सरकार ने किया नहीं है, सबसे ज्यादा लोन इन्हीं लोगों ने लिया है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वहां मुसलमान। उज्ज्वला योजना आई, फ्री